हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर न्यू वीडियो एंड मैं हूं आपका दोस्त मनीष। सो दोस्तों, अभी आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये है दोस्तों आपकी टाटा टियागो। एंड दोस्तों, ना ही ये आपका पेट्रोल वेरिएंट है एंड ना ही दोस्तों ये आपकी ईवी कार है। सो दोस्तों, ये है आपकी ICNG। हाँ दोस्तों, ये आपकी ICNG है। सो बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। ये टोटल आपको दोस्तों चार वेरिएंट में गाड़ी अवेलेबल रहेगी। पहला XE, XM, XZ एंड XZ प्लस। एंड दोस्तों, अभी आप जो वेरिएंट देख रहे हैं ये है आपका XZ प्लस। सो अगर इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको कंप्लीट पड़ती है 6.46 लाख से। एंड अगर इसके टॉप मॉडल की बात करें तो 9.29 लाख रुपीज़ तक इसको आप कंप्लीट ले सकते हैं एंड अपनी बना सकते हैं। वहीं दोस्तों, जो आप वेरिएंट है अभी आपका XZ प्लस ब्लैक कलर में, या इसको पल्प कलर कहते हैं दोस्तों, तो उसकी अगर प्राइस की बात करते हैं ऑन रोड, तो ये आपको पड़ती है 9.18 लाख रुपीज़। एंड दोस्तों, इस गाड़ी में अच्छे खासे आपको फीचर मिलते हैं। वहीं दोस्तों, ये आपकी सेफेस्ट सेडान मानी जाती है, इसको ग्लोबल एनकैप टेस्ट में 4 स्टार मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि आपको इसमें टाटा का लोगो मिलता है, वहीं नीचे आपको इसमें क्रोम की एलिमेंट। एंड ग्रिल की बात करें दोस्तों, तो आपको इसमें क्रोम के एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट सेटअप की बात करते हैं, तो आपको ड्यूल बीम में इसका हेडलाइट सेटअप मिलता है, पहला प्रोजेक्टर, दूसरा आपका नॉर्मल हैलोजन बल्ब के साथ। एंड इसी के साथ दोस्तों आपको मिल जाते हैं इसमें टर्न इंडिकेटर। नीचे दोस्तों आपको मिलती है इसमें फॉग लैंप की प्लेसमेंट। एंड वहीं दोस्तों इसमें आपको DRLs भी मिल जाते हैं, जो कि आपके स्ट्राइकिंग LED DRLs के नाम से आते हैं। इसकी विड्थ की बात की जाए, तो आपको 1677 mm की इसमें आपको विड्थ मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो आपके सामने है जो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो 168 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक सा ग्राउंड क्लियरेंस माना जाता है हैचबैक के लिए। बट अगर ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा और कंपनी बढ़ा देती तो और बेटर रहता। तो चलिए चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। सो दोस्तों, अभी हम देख सकते हैं इसका साइड प्रोफाइल, जो कि दिखने में काफ़ी छोटी सी है। एंड दोस्तों, ये गाड़ी आपके लिए मार्केट यूज़ के लिए अच्छी है, आप कहीं भी इसको ट्रैफिक में ले जा सकते हैं। बड़ी गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो दोस्तों, अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं, तो आपको 3765 mm की लेंथ। एंड दोस्तों, हाइट देख लीजिए आप, वो आपको मिलती है 1535 mm की। वहीं दोस्तों, अगर इसके व्हील बेस की बात करें, तो 2400 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है। साइड में आते हैं दोस्तों, वहीं दोस्तों आप देख लीजिए, आपको इसमें टायर साइज़ दोस्तों मिल जाता है 175/65R14 का टायर साइज़। एंड दोस्तों, ये आपके एलॉय व्हील्स नहीं है, ये आपके सिर्फ कवर है। एंड दोस्तों, काफ़ी अच्छा इसको डिज़ाइन किया गया है, ऐसा लगता है कि आपका ये एलॉय व्हील्स हैं। यहीं दोस्तों साइड में आते हैं, तो मिरर की बात करते हैं, आपको ये मिल जाते हैं बॉडी कलर। एंड दोस्तों, इसी में आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर। एंड ये दोस्तों आपके रहेंगे ऑटो फोल्डेबल। ऊपर किसी प्रकार की आपको रूफ रेल वगैरह नहीं मिलती, ना ही आपको सनरूफ का इसका ऑप्शन मिलता है। यहाँ दोस्तों आपका रहेगा फील्ड लीड ओपनर। एंड यहीं से दोस्तों आप बना सकते हैं इसमें CNG। रियर प्रोफाइल की बात करें, तो काफ़ी अच्छी लगती है दोस्तों देखने में। वहीं आपको दोस्तों बीच में टाटा का लोगो मिलता है, नीचे टियागो लिखा, एंड की लगाने की जगह। उसी के साथ दोस्तों आपको इसमें मिलती है कैमरे की प्लेसमेंट। ऊपर की तरफ आते हैं, तो वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंट लाइट। एंड एंटीना की बात करें, तो आपको आगे नॉर्मल सा एंटीना मिल जाता है, जो कि पुराना आता था। एंड दोस्तों, इसमें आपको ये छोटे छोटे स्पॉइलर भी मिल जाते हैं, वोकल फॉर लोकल का टैग, CNG का आपको इसमें स्टिकर मिल जाता है। टेल लाइट सेक्शन की बात करते हैं, तो आपको इसमें हैलोजन में मिल जाता है, वो आपके रहेगा इंडिकेटर। नीचे रिवर्स पार्किंग। एंड दोस्तों, अगर इसके पीछे पार्किंग सेंसर की बात की जाए, तो आई थिंक आपको एक भी पार्किंग सेंसर नहीं दिया जाता है। चलिए बूट स्पेस की बात करते हैं एक बार। सो दोस्तों, अगर आपको इसको बूट ओपन करना होगा, तो आपको की लगा के ही ओपन करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप से। यहाँ दोस्तों आपके सामने इसका बूट खुलता है, एंड पता चलता है प्रैक्टिकलिटी कि आपको इसमें कितना बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ दोस्तों देख लीजिए, जो आपका सिलेंडर रहेगा 60 kg का रहता है। एंड जो इसमें दोस्तों आपकी गैस आएगी, वो 8 से 10 किलो की गैस इजीली आ जाएगी। एंड जैसे आप देख लीजिए, आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है छोटी सी। स्पेस की बात करें दोस्तों, तो आपको कोई भी इस गाड़ी में स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से ये गाड़ी हैचबैक है। एंड उसके साथ इसमें स्पेस को एक्सपेक्ट करना तो गलत है। वहीं दोस्तों, अगर टायर साइज़ की बात करते हैं, तो जो आपका स्टेपनी व्हील का टायर साइज़ है, वो दोस्तों अंदर रहेगा। एंड उसके अगर टायर साइज़ की बात करें, तो वो दिख नहीं रहा है। एंड इसको एक्सेस करना भी दोस्तों काफ़ी मुश्किल होगा, पता नहीं किस टाइप से इसको एक्सेस किया जाएगा, बहुत मुश्किल दोस्तों, डिफ़िकल्ट है। या तो इसकी सीट फोल्ड करके इसको एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो कोई ऑप्शन है नहीं इसको एक्सेस करने का। तो बूट तो दोस्तों आपके पास कुछ मिलता नहीं है। चलिए बंद करते हैं इसका बूट ड्राइवर साइड गेट में, एंड ओपन करते हैं दोस्तों। तो आपके सामने रहता है इसका गेट, इसमें आप देख सकते हैं
जो आपका डोर पैनल रहेगा वो आपका ड्यूल टोन में रहेगा, बेज एंड ब्लैक कलर का, बट इसमें आपको टोटल हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, इसमें लेदरेट कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। ये आपके रहेंगे दोस्तों पावर विंडो के कंट्रोल, चाइल्ड लॉक्स के, डोर ओपनर एंड वहीं स्पीकर, बोतल स्पेस वगैरह। एंड अगर आपको मिरर सेट करना है तो यहाँ से आप इसको मिरर सेट वगैरह कर सकते हैं। इंटीरियर दोस्तों आपके सामने रहेगा इस गाड़ी का, देखने में ड्यूल टोन है। सीट हाइट की बात करते हैं तो आपको दोस्तों मैन्युअली इसकी सीट हाइट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड सीट दोस्तों आपको फैब्रिक सीट मिल जाती है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको लेदरेट सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। इंटीरियर दोस्तों आपका ड्यूल टोन में रहेगा जो दिखने में काफ़ी अच्छा है। स्टेयरिंग की बात करते हैं दोस्तों तो आपको नॉर्मल सा स्टेयरिंग मिलेगा, कोई भी आपको लेदरेट स्टेयरिंग नहीं मिलता है। बीच में दोस्तों आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। एंड वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल, राइट साइड आपको कोई भी कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलता है। टिल्ट मिल जाता है एंड दोस्तों टेलीस्कोपिक तो नहीं मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको कुछ इस टाइप का इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है दोस्तों, जिसके लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, राइट साइड आपको दोस्तों मिलता है इसमें फ्यूल गेज एंड दोस्तों उसके साथ सीएनजी का आपको मीटर मिल जाता है। बीच में दोस्तों आपको डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपका सब कुछ शो करेगा, सीएनजी वगैरह, फ्यूल वगैरह, टीपीएम मीटर वगैरह सब कुछ, स्पीडोमीटर वगैरह आपका इसमें शो कर देगा, जो कि आपका डिजिटल रहेगा, सेमी डिजिटल इसको आप कह सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको मिलती है एसी वेंट की प्लेसमेंट जिसमें आपको क्रोम का एलिमेंट मिलता है वर्क। एंड यहाँ आपको कुछ स्पेस मिल जाती है मोबाइल रखने के लिए या कुछ भी कॉइन्स वगैरह रखने के लिए। की दोस्तों आप नॉर्मल लगा सकते हैं इसमें, कुछ इस टाइप से आपकी की लगेगी जो कि नॉर्मल से की रहती है आपकी। इसका सेंटर डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा है, ऊपर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट, नीचे आपको टच स्क्रीन मिलती है जो कि आपकी 7 इंच की रहेगी दोस्तों। एंड यहाँ आप सीएनजी से कन्वर्ट करने का बटन दिया गया, डोर लॉक करने का, ये आपके डीआरएल्स वगैरह ऑन करने के लिए कंट्रोल दिया गया है। एसी की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा, यहीं आपको एक 12 वोल्ट का चार्जर, एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट एंड दोस्तों ये है आपका 5 स्पीड मैनुअल वर्जन, कप ग्लास होल्डर, हैंड ब्रेक एंड इसमें कोई भी आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मिरर की बात करते हैं, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड सन वाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिलता है बट लाइटिंग का ऑप्शन नहीं है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों। बीच में आते हैं तो यहाँ आपको रीडिंग लैंप्स का ऑप्शन मिलता है जो कि आपका एक ही है। सनग्लास होल्डर आगे वाले पैसेंजर के लिए, रीडिंग लैंप्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। सो दोस्तों कुछ इस टाइप से रहता है इसका इंटीरियर फ्रंट का। एंड आपको पिलर्स में आपको ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाती है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों उसकी बैक वाली सीट पर, इनोवा का कम्फर्ट वगैरह चेक करते हैं कि आपको स्पेस वगैरह कितना मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके रियर वाले डोर की। आपके सामने इसका डोर पैनल रहेगा जो कि आपका ड्यूल डोर में रहेगा, इसमें आपको डोर की प्लेसमेंट, स्पीकर एंड पावर विंडो कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। इंटीरियर दोस्तों आपके सामने ब्लैक एंड बीच कलर का रहेगा, दिखने में काफ़ी अच्छा है। सो बात करते हैं अंदर बैठ के इसका थाई सपोर्ट का। तो दोस्तों काफ़ी कम इसमें आपको थाई सपोर्ट मिल जाता है, हैचबैक होने के कारण दोस्तों इसमें थाई सपोर्ट की आपको थोड़ी सी कमी रहेगी। ये सीट की चौड़ाई भी दोस्तों थोड़ा कम है, देख लीजिए आप, सिर्फ 3 से आपकी चौड़ाई मिल जाती है। पीछे वाले पैसेंजर के लिए आपको वेंट्स वगैरह की प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। सीट की बात करते हैं दोस्तों तो आपको इसमें बेंच टाइप की सीट मिलती है एंड आपको इसमें 2 हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो कि आपको दोस्तों फिक्स हेडरेस्ट रहेंगे। पीछे पार्सल ट्रे रहेगा दोस्तों। कुछ इस टाइप से इस गाड़ी का इंटीरियर है। एंड ये दोस्तों इसका फ्रंट का डैशबोर्ड है जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सो बात करते हैं इसके इंजन बे की। दोस्तों आपके सामने इसका इंजन बे रहेगा जो कि काफ़ी आपको नीट एंड क्लीन इसमें इंजन बे मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर इसके इंजन के पावर फिगर्स की बात करते हैं तो आपको इसमें मिल जाता है 1.2 लीटर का ICNG 3 सिलेंडर इंजन जो कि आपकी पावर प्रोड्यूस करता है 72 BHP की। वहीं दोस्तों 95 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है गाड़ी। एंड अगर इसकी बात करते हैं माइलेज की तो 26.1 किलोमीटर की CNG के साथ ही एवरेज क्लेम करती है। एंड बोनेट में दोस्तों आप देख सकते हैं आपको इंसुलेशन मिल जाता है। एंड अगर इसके दोस्तों फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो आपको इसमें 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। सो दोस्तों कुछ इस टाइप से था इस गाड़ी का रिव्यू टियागो एक्सजेड प्लस CNG में दोस्तों। एंड अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जुड़े रहें हमारे साथ और नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।